वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे को यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीत विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई, साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। 4थे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना शुरू करा, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है, अतः उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु सांसारिक प्राणियों को लेकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो और एक वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, सावित्री तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनवांछित वर दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगो युगो तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और